दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एम एस चौहान फैब्रिकान चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करते हैं वॉशिंग कितने प्रकार की होती है। वॉशिंग तो वैसे काफ़ी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम 21 वॉशिंग को ही अपने जीवन शैली में इस्तेमाल करते हैं। जैसे होता है नॉर्मल वॉशिंग, हार्ड वॉशिंग, शॉर्पनर वॉशिंग, सिलिकॉन वॉशिंग, ब्लीचिंग वॉशिंग, एचपी वॉशिंग, स्टोन वॉशिंग, सैंड वॉशिंग, बाटा वॉशिंग, ब्रोकन वॉशिंग, आइस वॉशिंग, एसिड वॉशिंग, एम टी वॉश, सॉल्वेंट वॉश, पर्क वॉश, जीटीपी वॉश, कास्टिक वॉश, मंकी वॉश, लत्ती वॉश, हैंड वॉश। तो ये हमारी कुछ वॉशिंग है, लेकिन इसमें कुछ वॉशिंग ऐसी है जिसका प्रयोग कुछ ही फैब्रिक पे किया जाता है। जैसे कि आइस वॉश। आइस वॉश से हमारा तात्पर्य है कि जो भी हमारा क्रेप, कॉटन क्रेप या मास क्रेप, क्रेप क्या होता है, एक तरह का सलवट युक्त फैब्रिक होता है, जैसे स्प्रिंग होती है कि उसको अगर हम पानी में डालें तो वो सिकुड़ जाता है। देखा होगा जैसे प्लेटिंग होती है, प्लेटिंग थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन जो क्रेप होता है, क्रेप बहुत महीन धारी टाइप होती है। वो इंडस्ट्री, फैब्रिक इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रॉब्लम होती क्या है कि कई बार हम कपड़े का जो पैटर्न बनाते हैं, तो पैटर्न तो बना लेते हैं, लेकिन हम कपड़े के नेचर को नहीं समझ पाते कि कपड़ा, कुछ स्थान का कपड़ा ऐसा होता है कि श्रिंकेज ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो कई बार क्या होता है कि वो कपड़े को हमने बना तो दिया, उसके बाद वो श्रिंक हो गया, तो उसको पूरा मेजरमेंट करने के लिए हम प्रेसिंग से उसको खींच देते हैं, तो कपड़ा फ्लैट हो जाता है वहाँ से। लेकिन हमें तो चाहिए उसमें क्रेप, तो उसको फिर क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छा है कि उसको पानी का फवारा, एक स्प्रे के अंदर पानी भर के और पीस को हैंगर पे टांग के, और उसको हम स्प्रे करें और थोड़ी देर उसको हवा में सूखने दें, वो एसटी अपनी जगह आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि कपड़ा फ्लैट ही हो जाता है, क्रेप का कपड़ा कुछ स्थान ऐसे आ जाते हैं जो फ्लैट हो जाते हैं, उसमें चाहिए हमें क्रेप, तो क्रेप कैसे आएगा, उसके लिए हम आइस वॉश करते हैं। तो आइस वॉश का विधि क्या है, इसका फार्मूला क्या है कि जैसे हम 10 मीटर कपड़ा ले रहे हैं या 10 गारमेंट हमारे पास हैं, उनको क्रेप बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इतना पानी लेंगे जितने में कपड़ा डिप हो सके, और उसके अंदर डालेंगे हम 2 से 3 किलो आइस यानी बर्फ को कूट कर उस पानी में, यानी पानी को ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल चिल्ड वाटर। उसमें थोड़ा डालेंगे सिलिकॉन, उसके अंदर 50 ग्राम के आसपास सिलिकॉन अच्छे तरह घोल के उसको डाल के वो कपड़े को उसमें डिप कर देंगे, जो क्रेप का कपड़ा जो फ्लैट है, तो कपड़ा उससे रिलैक्स हो जाएगा। कि कई बार देखा ना वॉशिंग के दिन में, इससे ठंड के दिनों में क्या है कि हमारे जो हाथ पैर, ये जो त्वचा होती है, या पानी में ज़्यादातर डिप होने के बाद हाथों को, ये सलवट से आ जाती है हाथों के अंदर, यहाँ पे ना सलवट से आ जाती है, यहाँ पे जैसे सुकड़ से जाता है। तो इसी तरह कि जब गर्मी से कोई चीज़ फैलती है, जैसे रेलवे लाइन होती है, रेलवे लाइन के बीच में जो बीच में गैप दिया होता है, वो इसीलिए दिया होता है कि जैसे जैसे गर्मी, घर्षण से गर्मी पैदा होती है जो उत्पन्न होगी, उससे वो लोहा भी बढ़ता है और ठंड में सिकुड़ता है। तो उसी तरह बिजली के तारों को देखा होगा कि गर्मियों में तार लटक जाते हैं, बिजली के जो तार होते हैं खंभों पे, और सर्दियों में वो टाइट हो जाते हैं। यही मेथड है इसका भी, कि जब वो फैब्रिक, फ्लैट वाला फैब्रिक जब आइस के अंदर जाएगा, ठंडे पानी में जाएगा, तो वो सिकुड़ेगा,
उसको रिलैक्स करने के लिए हम सिलिकॉन डालते हैं, सिलिकॉन से बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो ये फार्मूला बहुत ही कारगर है और ये हजारों बार हम इसको अपना चुके हैं कि कई बार है कि लाखों पीस हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं कि बाहर कहता नहीं जी हमें इसमें क्रेप चाहिए, तो हम यही फार्मूला अपनाते हैं। तो दोस्तों यदि आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, ये ड्राई क्लीनर के पास भी हो जाती है कई बार, वो क्या करते हैं उसे सुखा देते हैं ज़्यादा। इसमें कई कुछ नेचर होता है कपड़े का कि टेम्बलर में जाने के बाद क्रेप बनती है, कुछ लैंड ड्राई के अंदर बनती है। तो इसको डालना भी कैसे है कि अगर हम उसको बर्फ़ से निकालेंगे, उसको हाइड्रो करेंगे बिल्कुल हल्का हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रो करने से क्या होता है कि 80 से 85% हमारा पानी निकल जाता है, मतलब कपड़ा सूख जाता है इतना, तो 10-15% रहता है गीला। लेकिन हमें क्या करना है, उसको हाइड्रो में एक दो चक्कर चलाने हैं या हाथ से निचोड़ना है। निचोड़ना क्या है, लेंथ वाइज। और उसको या तो टिप ड्राई करें, टिप ड्राई मतलब किसी टेबल पर बिछाएं या रस्सी के ऊपर डालें, तो उसको लेंथ वाइज डालें और उसको पूरा ना खोलें, उसको कपड़े को ना पूरा ऐसे ना खोलें, हल्का सा क्लोज रखें उसको। क्लोज रखने में क्या है कि हवा लगेगी तो वो फ्लैट नहीं होगा वहाँ से, और सूखने के बाद वो बिल्कुल अच्छी स्थिति में आ जाएगा, उसे पूरा क्रैप आ जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एक फार्मूला। बाकी और भी कोई क्वेश्चन आपके दिल में हो तो आप शेयर कर सकते हो मेरे से। बाकी वॉशिंग जो 21 वॉशिंग बताइए, ये नॉर्मल है जो बेसिक वॉशिंग बोलते हैं इनको। बाकी और जो वॉशिंग होती है, हार्ड वॉशिंग वगैरह जो होती है जो काफ़ी, उनके विषय में बात करेंगे। आपको अगर मान लो उसके बारे में कुछ पूछना तो आप मेरे से इसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, नमस्कार।